मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो का शुरुआत हो चुका है। स्वागत है आप सबको मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं किसी काम से बिनका आया था और अभी मैं बिनका में ही हूँ और ये है बिनका मार्केट। मेरे पीछे आप देख सकते हो इस तरफ। तो कुछ दिनों से मैं व्यस्त था तो वीडियो बना नहीं पा रहा था। अभी मेरे वीडियो बनाना फिर शुरू हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह जो आपको सामने से पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि बिनका आए हैं तो आसपास ही कुछ जगह घूम लेते हैं। तो ये है बिनका मार्केट और मेरे पीछे जो आप ये जो लॉज है यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे डेस्टिनेशन के लिए। अभी मैं आ गया हूँ महानदी ब्रिज के ऊपर। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, दिस इज कृष्ण मौली और आप देख रहे हैं एचआर के ब्लॉग। नमस्ते फ्रॉम महानदी के इन हसीन वादियों से। अभी मैं खड़ा हूँ महानदी ब्रिज के ऊपर और मेरे पीछे एक मंदिर है, आप देख सकते हो। ये माँ बैकानी देवी का मंदिर है जो कि महानदी के बीचों बीच है पहाड़ी में। मैंने पूछताछ करके पता लगाया कि यहाँ पर मेला भी लगता था पर किसी कारण बंद हो गया। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है, लाजवाब। तो फिर चलिए चलते हैं आगे के सफर में। तो ये एरिया मुझे नया नया लग रहा है, मैंने कभी आया नहीं इस एरिया में। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का रूट भी मुझे पता नहीं है, तो फिर मुझे गूगल मैप से चेक करना पड़ेगा। तो मैं आधी रास्ते तक आ चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है समरपुर 44, सोनपुर 31, उल्लंडा 49। तो गूगल भाई साहब के हिसाब से मुझे राइट साइड जाना है। इस एरिया में डबल खेती होती है, यानी साल में दो बार धान की खेती होती है, क्योंकि इसके ऊपर हीराकूद का डैम है और यहाँ कैनाल लगा हुआ है। तो यहाँ तो डबल खेती होना ही चाहिए और इससे किसानों को भी काफ़ी फायदा होता है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ माँ मेटाकानी के गेट में और ये है संबलपुर और सनपुर रोड। यहाँ पर आने के लिए आपको प्राइवेट गवर्नमेंट बस मिल जाएंगे। ये है मैं मेटाकानी के मेन गेट और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर माँ मेटाकानी का मंदिर है। तो मुझे अभी जाना है और 1.5 किलोमीटर। तो काफ़ी मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर काफ़ी जंगल था, तो जब से माँ देवी माँ का मंदिर यहाँ पर हो गया है तब से यहाँ इस जगह बहुत भीड़ भाड़ होता है और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पिकनिक करने के लिए भी आते हैं। हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं वहाँ के दर्शन करने के लिए। तो मुझे जाना है अभी यहाँ से और 1.5 किलोमीटर। यहाँ का माहौल कितना शांत है और अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा लोग यहाँ आए नहीं और भीड़ भाड़ भी हुआ नहीं। यह है माँ का मुख्य गेट और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर माँ का मंदिर है और यहाँ पर माँ का एक घंटी लगा हुआ है। आज काफ़ी भीड़ भाड़ लग रहा है, आज संडे है तो लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। यह है देवी माँ का मुख्य मंदिर और ये हर दिन सुबह शाम तक खुला रहता है और अपोजिट साइड से धूप आ रहा है तो कैमरा थोड़ा काला काला दिख रहा है। मंदिर का कारकारी और कितना कलरफुल है।
तो फिर ले लेते हैं एक स्मार्ट व्यू। स्मार्ट व्यू की मदद से आप देख सकते हैं मंदिर के चारों ओर यहाँ पर बहुत सारे दुकान भी है। दुकान में काफ़ी सारे डॉल्स भी है और पीछे से बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं जो मंदिर खुलने से लेकर बंद होने तक मंदिर की सुरक्षा करते हैं। मंदिर में ज़्यादा धुएं ना हो इसके लिए मंदिर का जो दिया जलाने का कुंड मंदिर के बाहर रखा गया है और ये है दिया जलाने का कुंड यानी आलती कुंड। यहाँ पर सभी लोग आकर आलती जलाते हैं। ये मंदिर का लेफ्ट साइड है यानी फ्रंट से लेफ्ट साइड। ये है माँ मेटाकनी मंदिर के कमेटी वालों के ऑफिस। यहाँ पर एक स्टूडियो भी है जो इसमें आप मंदिर के सामने फोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे दुकान है जिसमें माँ का तस्वीर और ब्रेसलेट मिलता है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसमें जो धागा बना है ये सब लोगों ने बना है माँ के यहाँ मन्नत रख के। माँ के पूजा में जो जो भी सामान लगता है सब यहाँ से मिल जाता है। आज काफी भीड़ भाड़ लग रहा है ये जगह और आज आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग आए होंगे आज यहाँ। और ये है ये वही तालाब है जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी है। आप देख पता नहीं दिख पा रहे होंगे नहीं, यहाँ पर दो बोट भी है। यहाँ पर दो बोट है और इस साइड लोग पिकनिक करते हैं और यहाँ पर अपने खाना खाना जो भी खाना वाना वगैरह बनाते हैं। और तालाब के इस छोर एक पार्क है जो भी बंद है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पार्क का मेन गेट यहाँ पर लिखा हुआ है मेटाकनी ग्रामीण उद्यान और पार्क अभी खुला नहीं है, ये शाम को ही खुलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे जानवरों के स्टैचू बनाए गए हैं। रियल जानवर तो है नहीं पर जानवरों के स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पर एक जिराफ और हिरन, हाथी, पेंगुइन और काफ़ी सारे बच्चों की खेलने के सामान है इधर। Thank you.
ये पार्क का दूसरा गेट है, माँ मेटाकनी रूरल पार्क। ये वही पार्क है और इसका दूसरा गेट है। और यहाँ आप देख सकते हो कितने सारी डोलियाँ और बच्चों के लिए, ये पार्क सिर्फ बच्चों के लिए है। मंदिर के चारों ओर तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी रह गया बस देवी माँ का दर्शन करना। तो अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैंने इसलिए मंदिर के अंदर आपको दिखा नहीं पाया। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो मंदिर देख के मैं आ गया हूँ मुख्य द्वार पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो को मैं आगे तक ले जाऊँ, तो इस वीडियो को मैं एक बार ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं एक बार ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सभा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।